हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की अगर वीडियो की बात करें हम बात करने वाले हैं मिसेज बैक्टर से रिलेटेड मिसेज बैक्टर एक्चुअली करता क्या है बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल यहाँ पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे और हम जानेंगे इसमें अच्छा खासा कितना गेन मिल सकता है इसके फाइनेंशियल देखेंगे एज वेल एज बात करें यहाँ पर इस इनके प्रोडक्ट देखेंगे कि ये कंपनी एग्जैक्टली exactly करती गया है बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ दूसरे लोगों को कनेक्ट करें क्योंकि वो भी सीख सके और जब सीख के आप मार्केट में आएंगे और तो अच्छा खासा पैसा कमा के जाएंगे इस बात को याद रखिएगा इसलिए सीखिएगा सीखने पे कि किस तरीके से आप पे शेयर को चूज कर सकते हैं है, तो मतलब है। तो आप पैसा नहीं लगा सकते और हर एक अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाने का तरीका एक ये है कि अपने पोर्टफोलियो का मतलब आपके एक लाख रुपए का तीन के हिसाब से या जितना भी आपका पोर्टफोलियो तीन परसेंट के हिसाब से अलग अलग शेयर में

की डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा और बाकी हम बात करें तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल शेयर भाई जाओ खुद की स्टडी करके ही आपको पोजीशन लेनी है तो हम बात करते हैं <coughs> सॉरी इस शेयर से रिलेटेड मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है क्योंकि बहुत अच्छा खासा ये करेक्ट भी हो चुका है जब ये आया था शेयर मैंने बताया था कि ये शेयर गिरेगा और तीन सौ रुपए के आसपास आएगा उसके बाद ये तीन सौ रुपए पे ही एक्जेक्टली आता हुआ दिखाई दिया और ए, आ, अगर हम बात करें अब आज अब की डेट में एक अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है तो इस की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं अगर बात करें 52 टू वीक हाई की तो छह रुपए का यहाँ पर ये यह शेयर था चार रुपए पे ये शेयर चल रहा है और अभी भी अगर बात करें ऑल टाइम 30 परसेंट यहाँ पर नीचे चल रहा है और जब 30 परसेंट कोई शेयर यहाँ पर डिक्रीजमेंट या डिक्लाइन दिखाए तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा कि उस शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो में एड करना है तो इस पहला पहला

तो ब्रांड है इंग्लिश ओवन ब्रांड्स के नाम से दूसरा अगर बात करें मिसिज बैटर क्रेमिका के नाम से यहाँ पर आपको ये इनके प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे तो इस चीज को याद रखिएगा एज एज वेल अगर बात करें इसके और चीज़ों की तो पर जो ये कंपनी है ये आपको नॉर्थ इंडिया में ज्यादा दिखाई देगी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ इंडिया में ही है यहाँ पर अगर हम बात करें ये अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं और एक्सपेंड के लिए अगर हम बात करें इट इज ऑल्सो लीडिंग बिस्किट ब्रांड इन अगर ये बात करें यहाँ पर हिमाचल जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ पर ये लीडिंग अगर बात करें लीडिंग बिस्किट है यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर सेल आउट होते हैं इंग्लिश ओवन की बात करें जो कि ब्रेड यहाँ पर इनका ब्रेड्स आते हैं वो दिल्ली एनसीआर मुंबई बेंगलोर में यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ये यह इनके लार्ज मतलब हर तरीके के प्रोडक्ट जैसे जैसे ब्रिटानिया अगर बात करें ब्रिटानिया यहाँ पर नंबर वन आता है तो ब्रिटानिया ने का अच्छा खासा नेटवर्क है उसे बिल्कुल कॉम्पिटिटर यहाँ पर कॉम्पिटिशन देता हुआ नजर आता है और सेम बिस्किट अगर बात करें डाइजेस्टिव क्रैकर कुकीज क्रेमी क्रीम

मैन्युफैक्चरिंग अगर बात करें ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी काम करती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे अगर हम बात करें हिंदुस्तान फूड्स हिंदुस्तान फूड्स क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट बनाता है इसी तरीके से ये भी पर बनाता हुआ नजर आता है किस ब्रांड के लिए ओरियो बिस्किट जो आप या या यूज करते हैं चोको बेग्स से फोर मॉन्डेल्स यहाँ पर ये प्रोडक्ट यहाँ पर, यह पर मैन्युफैक्चर करता हुआ नजर आता है एज वेल एज यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें है इस चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अच्छा खासा है यहाँ पर कंपनी का आगे चल के स्कोप नजर नजर आता है है तो यहाँ पर पर एक्सपेंशन भी करती हुई आती कंपनी और अगर बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की तो इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट में यहाँ पर अगर बात करें ब्रेड में यहाँ पर दिखाई देते हैं बिस्किट में अलग अलग तरीके की इनकी वैरायटी है एज वेल एज यहाँ पर हम बात करते तो यहाँ पर देखिए सोसेज

प्लेजिंग की बात करें कोई यहाँ पर प्लेज नहीं है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए सेल्स सेल्स अगर 188 करोड़ रुपए की सेल्स थी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई अगर बात करें पिछले दो तीन क्वार्टर में इनकी हाईएस्ट एवर सेल्स आती हुई दिखाई दी है 218 213 211 करोड़ रुपए की लगभग सेम ही सेल्स तो कंटिन्यूटी तो यहां पर दिखाई दे रही है सेल्स में ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी हाइएस्ट एवर पिछले तीन चार क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दे रहा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे ये चीज और बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि ये कंपेटल एक्सपेंडिचर नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर

अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसके टारगेट अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें ये एक कप बना है और ये एक हैंडल बनता हुआ अभी हैंडल तैयार नहीं है बट जब हैंडल तैयार होगा तो यहाँ पर फिर शेयर ऊपर भागता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर अगर हम बात जब हमें पता है कि ऊपर भागता हुआ नजर आएगा और 50 डीएमए 50 डीएमए के आसपास आके ये बार बार यहाँ पर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर से दोबारा यहाँ पर फिफ्टी डीएमए से यहाँ पर ऊपर जा चुका है और मेरे को लगता है कि अब ये बहुत जल्दी यहाँ पर पहले इसे इसे अचीव करेगा फोर को जो इसका प्रीवियस हाई था और फिर उसके बाद जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है जो हमारे इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न

बड़े लोग यहाँ पर अभी भी फे हुए हैं फे होने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो इधर तक ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेटर की बात करें बड़े बड़े तो तक तो ये शेयर ले ही जाएंगे तो यहाँ पर तक का टारगेट तो मान के ही चलिए कि यहाँ तक टारगेट आना ही है और एक बार यहाँ पर जब टारगेट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा पचास का टारगेट आ रहा है एक साल में भी पचास मिलते हैं तो बहुत बेहतरीन रिटर्न होते हैं इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और यहाँ पर बीच बीच में और भी शायद बीच में हर्डल लेते हुए जाएगा ऐसा